अखिल भारतीय किसान सभा का 34वां राष्ट्रीय महाधिवेशन हिसार में होने जा रहा है। ठीक आज से 25 साल पहले भी यहाँ 27वां राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था और अभी जिस तरह से कृषि संकट सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो संकट बढ़ा है, जिससे किसान कर्जे के कारण जो आत्महत्या कर रहा है, 3 से 3.5 लाख किसान कर लिया, और मनमोहन के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और तेज़ी से उन नीतियों को लागू करने के कारण कृषि संकट और गहरा हुआ है और इसके खिलाफ, इस कृषि संकट के खिलाफ किसानों का संघर्ष भी, चाहे वो कर्जा मुक्ति हो और चाहे लाभकारी भाव का सवाल हो और चाहे नरेंद्र मोदी द्वारा पशुधन की बिक्री पे जो पाबंदी लगाई है उसके खिलाफ लड़ने का सवाल हो, तय रूप से जिस तेज़ी के साथ हमला बढ़ा है उसी तेज़ी के साथ प्रतिरोध भी बढ़ा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मंदसौर की घटना के बाद पूरे देश में इस कृषि संकट की मीडिया में, सरकार में, प्रतिपक्ष में, हर जगह चर्चा जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ी है। हर गांव में, हर ढाणी में, हर बस में, रेल में, चाय की थड़ी पे, हर जगह इस संकट की और इस संकट के खिलाफ संघर्ष की चर्चा आज पूरे देश के एक एक गांव में फैली है। और इसमें प्रमुख रूप से वो तमाम संगठन जो 1991-92 में इन नीतियों का समर्थन कर रहे थे, वो भी आज इन नीतियों के परिणाम के रूप में, जो संकट के रूप में आया है, इसलिए वो भी सब के सब इस नीतियों के खिलाफ संघर्ष के मैदान में हैं। और राजस्थान में जो ऐतिहासिक, अपने आप में अद्भुत, देश की आज़ादी के 70 साल बाद, या तो 70 साल पहले वहाँ शेखावाटी और राजस्थान में आंदोलन हुए थे, या फिर ये आंदोलन, क्योंकि राजस्थान में कभी नहरी पानी के लिए संघर्ष होता था, कभी बिजली की रेट के लिए, बिजली की सप्लाई के लिए, कभी बीमा क्लेम के लिए, कभी आदिवासी के ज़मीन का पट्टा हासिल करने के लिए, लेकिन ये आंदोलन ऐसा था जिसमें पूरे के पूरे राजस्थान का 70% किसान, चाहे वो बारानी है, चाहे नहर से सिंचाई करता है, चाहे वो बिजली से सिंचाई करता है, ये संकट सबके सामने था और ये अभूतपूर्व आंदोलन हुआ। आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा की राजस्थान राज्य कमेटी ने शुरू किया था, वो आगे चल कर के तमाम किसानों का संघर्ष बना और किसानों के साथ साथ विद्यार्थी, नौजवान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हर तबका इसके अंदर शामिल हुआ। और जब बंद का आह्वान व्यापारियों ने किया तो ऐतिहासिक बंद भी हुआ और ऐतिहासिक जीत भी हुई। पहली बार राजस्थान और देश के इतिहास में अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्ष के कारण राजस्थान की सरकार को 50,000 तक का कर्जा, किसान का कर्जा माफ़ करने का समझौता करना पड़ा है। जो विद्यार्थियों की 2 साल से एक नया पैसा भी स्कॉलरशिप नहीं दे रही थी वो देने के, 1,000 करोड़ रुपया देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। समर्थन मूल्य पे जो पिछले 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं खरीद रहे थे, उसका प्रमुख कारण था नरेंद्र मोदी आने के बाद MSP पे खरीद में जो भी खर्चा होता था, उससे पहले जब से MSP का योजना चली है केंद्र सरकार उसके खर्चे वहन करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद ये आदेश दे दिया कि राज्य सरकारें वो खर्चा वहन करेगी, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है खर्चा वहन कर सके। लेकिन उसके लिए भी अभी मूंगफली, उड़द, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, मूंग और मूंगफली में 1,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बाज़ार में रेट कम है और उड़द में तो 2,000 रुपये कुंटल की है, उसकी भी खरीद की अभी शुरुआत कर दी है उन्होंने। तो तय रूप से जो ऐतिहासिक लड़ाई, और न केवल ये जो पशुधन के बचने पे 3 साल की पाबंदी लगा रखी थी, इसी भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बना के राजस्थान के बछड़ा, गाय और गाय बछड़े को पालने वाले किसान को तबाह करने का काम किया था, उसी सरकार को इस संघर्ष के दबाव के कारण 3 साल के बछड़े को 1 साल की छूट दे करके 2 साल में बछड़ा बेच सकते हैं, और जो बछड़े या दूसरे पशुधन को जो खरीदने वाले व्यापारी हैं जिन पे हमला कर रहे हैं, चाहे वो पहलू खान की हत्या हो, चाहे माजिद खान की हो या दूसरे लोगों की हो, तो उनके लिए भी राज्य सरकार को लिख के देना पड़ा है कि पशु व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी हम राज्य सरकार करेगी। तो ये जो अनुभव आया है, इससे इस सम्मेलन के माध्यम से हमारी प्रयास रहेगा कि ये
इस संकट के खिलाफ नरेंद्र मोदी के वायदे के अनुसार पूरे देश में केंद्र सरकार कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ़ कर सकती है। जब देश के बड़े बड़े कंपनियों का 10 लाख करोड़ रुपया एनपीए करके बट्टे खाते लिख सकती है, तो केंद्र सरकार संपूर्ण कर्जा भी माफ़ कर सकती है और किसान की पैदावार की 1.5 गुनी कीमत का जो वायदा था वो लागू होती है, तो फिर किसान कभी भी कर्जे में नहीं आएगा और खेती लाभ का व्यवसाय होगा। तो निश्चित रूप से आज जो यंग जनरेशन किसान की खेती से भाग रही है, 50% किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये स्थिति मैं समझता हूँ बदल सकती है। और इसी को किस तरह से पूरे देश में अखिल भारतीय किसान सभा अपने स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस संघर्ष के मैदान में जाए, और न केवल अखिल भारतीय किसान सभा, तमाम किसान संगठन और तमाम छात्र, नौजवान, मजदूर, महिला, तमाम जो इन नीतियों का विपरीत असर, चाहे वो नौजवान के बेरोजगारी के रूप में हो रहा है, शिक्षा को निजीकरण हाथों में दिया जा रहा है, तो इन तमाम नीतियों से जो परेशान वर्ग है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, महिलाएं हैं, तय रूप से राजस्थान के आंदोलन में भी देखा है कि जो सामंती संस्कार घूंघट में महिलाएं रहती हैं वो भारी संख्या में 3 दिन के पड़ाव में भी आई है, 13 दिन के पड़ाव में भी आई हैं और चक्का जाम में उसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और जो यंग जनरेशन जो मोदी के नारे में, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे में जो फंस गया था, वो भी इसके 3.75 साल के शासन में उसके वायदों के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं, उससे महिला और यंग जनरेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारा प्रयास है, अभी 18 नवंबर को तमाम 100 से ज़्यादा संगठनों ने इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए साझा कन्वेंशन किया है और वो राज्य में, जिले में तक जाएगा और आने वाले 30 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान के एक एक शहर, एक एक कस्बे में, एक एक गांव में मशाल जुलूस जलाकर जो इन नीतियों से देश में अंधेरा छाया है उसमें उजाला करने के लिए और जनता को लामबंद करने के लिए 30 अक्टूबर हमने तय किया है। वैसे भी हरियाणा के साथियों ने यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको लिए, चाहे पराली किसान के जलाने पे जो मुकदमे हो रहे हैं, आवारा पशुओं का सवाल है, दूसरे समर्थन मूल्य पे खरीदने का, उनके लिए हरियाणा की किसान सभा ने किया है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है कि पिछले 4 साल, इससे पहले जो कडलूर तमिलनाडु में सम्मेलन हुआ उससे लेकर 4 साल में हर यूनिट ने, गांव की, तहसील की, जिले की, राज्य की और अखिल भारतीय किसान सभा ने जो संघर्ष करके इस कृषि संकट को जनता के सामने लाने का काम किया है, स्वतंत्र संघर्ष से और संयुक्त संघर्ष से किया है, इसको और विस्तारित करके जिस तरह से महाराष्ट्र और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को झुका के किसानों की मांगों को मनवाने का काम किया है, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य होगा कि इस देश के किसान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को भी झुकाएं। और वो जब भी हो सकता है, जब पूरे देश में एक साथ, जिस तरह से राजस्थान में बारानी, सिंचित, ट्यूबवेल का, आदिवासी, गैर आदिवासी सब ने मिलकर लड़ा है, वैसे ही पूरे देश का ये आंदोलन ऐसा होगा जिसमें पूरे देश का किसान मैदान में उतरेगा, तो उसके साथ मजदूर, किसान, महिला, विद्यार्थी, नौजवान भी उतरेगा। तो तय रूप से महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों को, राज्य सरकारों को झुकाया है, तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार को भी इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि उसने जो चुनाव में वायदे किए वो वायदे लागू करे, वरना गद्दी छोड़े, मैं समझता हूँ। और इस सम्मेलन का ये भी नारा होगा कि हर देश के एक एक गांव में किसान सभा हो और हर किसान किसान सभा में हो। जब भी जा करके ये संगठन मजबूत होगा, किसानों की ये सेना तैयार होगी, जब भी इस देश की शोषकों की, उन कंपनियों की दलाल सरकार को हम झुका पाएंगे और इस देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसान की जेब में पैसा आएगा तो व्यापार चलेगा और किसान की जेब में पैसा आएगा तो उद्योग चलेगा, वरना न उद्योग चलेगा, न व्यापार चलेगा, न खेती चलेगी, तो देश गर्त में जाने की स्थिति में इन नीतियों से हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन को पूरे 4 दिन की चर्चा के बाद अपने अनुभवों के आधार लेते हुए, उसको समेटते हुए पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का ये इसार कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी मील का पत्थर होगी, क्योंकि ये वो जगह है जो 1857 में देश की पहली आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा इतिहास इसार और आसपास के लोगों का रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक
जगह पे सम्मेलन हो रहा है और ये सम्मेलन हिंदुस्तान के कृषि के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं समझता हूँ तो इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी। धन्यवाद।